देवास जिले में अवैध रूप से संचालित हो रहे पैथोलॉजी लैब पर प्रशासन ने अपना शिकंजा कसा है। लंबे समय से पैथोलॉजी पर गलत रिपोर्ट देने और अनियमितता की शिकायत मिल रही थी, जिस पर कार्यवाही करते हुए प्रशासन ने उसे सील कर दिया है। देवास जिले के कन्नौर में विजय पैथोलॉजी पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। पैथोलॉजी लैब नियम के विरुद्ध संचालित किया जा रहा था। कलेक्टर के आदेश पर कन्नौर तहसीलदार अंजलि गुप्ता ने कार्रवाई करते हुए लैब को सील कर दिया। बता दें कि दो दिन पहले पीड़ित ने देवास कलेक्टर ऋषभ गुप्ता के नेमावर प्रवास के दौरान ठोस कार्रवाई की मांग की थी। कलेक्टर ने आश्वासन देते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की बात कही थी। उसका परिणाम ये रहा कि कई सालों से चल रही अवैध पैथोलॉजी लैब को सील कर दिया गया है। काफी दिनों से विजय पैथोलॉजी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हो रही थी कि वो बिना किसी रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस के लैब संचालित कर रहे हैं, तो बस इसी की जांच करने के लिए हमने दल गठन करके एलडीएम साहब के निर्देश पर, जिसमें सीडीएमओ में तहसीलदार अंजलि गुप्ता, नायब तहसीलदार नेहा शाह, हम लोगों ने इसकी जांच की। जांच करने में पाया कि लैब का संचालन हो रहा है और जो संचालक है डॉक्टर संजय जोशी वो उपस्थित नहीं थे। उनको दूरभाष पे हमने सूचित किया कि उनके पास जो भी दस्तावेज है इस संबंध में उसका अवलोकन तत्काल हमको कराएं, लेकिन वो कराने में असमर्थ रहे, तो इसलिए हमने जो है इस लैब को सील कर दिया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।